रिद्धि सिद्धि के देवता काटो सर्व कलेश, सर्वप्रथम सुमिरन करे गौरी पुत्र गणेश। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। हमें जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति गणेश जी की अनुकंपा यानी बुद्धि से ही प्राप्त होती है। गणेश जी पूजा पाठ के दायरे से बाहर निकलकर हमारे जीवन से इतना जुड़ गए हैं, किसी भी काम को शुरू करने को हम श्री गणेश करना कहते हैं। गणेश उत्सव तो साल में केवल एक बार आता है, परंतु गणेश जी का स्मरण हमारी दिनचर्या में शामिल है। समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए गणेश वंदना की परंपरा युगों पुरानी है। मानव तो क्या, देवता भी सर्वप्रथम इनकी अर्चना करते हैं। गणेश पुराण के अनुसार गणपति अपनी छोटी सी उम्र में ही समस्त देवगणों के अधिपति हैं, क्योंकि वे किसी भी कार्य को बल से करने की अपेक्षा बुद्धि से करते हैं। बुद्धि के त्वरित व उचित उपयोग के कारण ही गणेश जी पिता महादेव से वरदान लेकर सभी देवताओं में मंगल मूर्ति रूप में प्रथम पूज्य हैं। गणानाम जीव जतानाम यह ईश स्वामी स गणेश। गणेश समस्त जीव जगत के स्वामी हैं। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले देवाधिदेव गणेश जी की पूजा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में की जाती है। गणपति देवगणों के नायक होने के कारण गणनायक तथा गणाध्यक्ष कहलाते हैं। श्री गणेश जी की पूजा करने से समस्त देवगणों की पूजा स्वतः ही हो जाती है। विघ्नहर्ता गणेश मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हैं। बुद्धि के देवता गणपति रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं तथा शुभ लाभ विघ्न विनाशक गजानन के पुत्र हैं। संतोषी माता गणेश जी की पुत्री हैं। प्रथम पूज्य पार्वती नंदन श्री गणेश जी का सभी अंग सकारात्मक संदेश का प्रतीक है। गजानन का पेट उदारता और पूर्ण स्वीकृति का प्रतीक है। उनका अभय मुद्रा में उठा हुआ हाथ संरक्षण का प्रतीक है, जो हमें स्पष्ट संदेश देता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और विनायक का दूसरा हाथ नीचे की ओर एवं हथेली बाहर की ओर इस बात का संकेत देती है कि विघ्न विनाशक गणेशा हमें हर पल कुछ देते रहते हैं। एक दंत श्री गणेश जी का एक ही दांत का होना हमें एकाग्रचित रहने की शिक्षा देता है। संकट नाशक लंबोदर अपने हाथों में अंकुश और पाश लिए हुए हैं, जो कि सजगता तथा नियंत्रण का प्रतीक है। विघ्न विनायक भालचंद्र की सवारी मूषक है। मूषक उस मंत्र के समान है जो अज्ञान की एक एक परत को धीरे धीरे काट कर दूर करता है एवं हमें उस परम ज्ञान की ओर ले जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व बुद्धि के देवता श्री गणेश जी करते हैं। श्री गणेश के सभी प्रतीकात्मक अंगों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को शुभ मार्ग की ओर अग्रसर कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार जल के अधिपति श्री गणेश माने गए हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले जल में हुई, अतएव गणपति को प्रथम पूज्य माना जाना विज्ञान सम्मत भी है। पुराणों व अन्य धर्म ग्रंथों से इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान ब्रह्मदेव ने भविष्यवाणी की थी कि हर युग में श्री गणेश विभिन्न अवतार में अवतरित होंगे। सतयुग में विनायक, त्रेता युग में मयूरेश्वर, द्वापर युग में गजानन एवं धूम्रकेतु नाम से कलयुग में अवतार लेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि हम सभी एक दंत कपिल, गज कर्णक लंबोदर, विकट विघ्न नाशक विनायक, धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र, विघ्न राय वे मातुर गणाधिप हेरंब गजानन आदि नामों से स्मरण किए जाने वाले वरद विनायक गणेश जी का जन्मोत्सव
गणेश उत्सव के नाम से पूरे भारत में मनाते हैं, परंतु महाराष्ट्र का गणेश उत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में मंगलकारी देवता के रूप में व मंगल मूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं। दक्षिण भारत में चिंतामणि गणेश कला शिरोमणि के नाम से लोकप्रिय हैं। पुणे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गजानन की स्थापना शिवाजी की माँ जीजाबाई ने की थी, परंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को जो स्वरूप प्रदान किया, उससे श्री गणेश राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। पहले गणेश पूजा केवल परिवार तक ही सीमित थी। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देना केवल धार्मिक आस्था न थी, अपितु आजादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने तथा समाज को संगठित करके एक आंदोलन का स्वरूप देना था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी विघ्न बाधाओं को पार कर हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव का जो सार्वजनिक पौधारोपण किया था, वो आज विराट वृक्ष बन गया है। आज हम सब संपूर्ण भारत में इसे धूमधाम से मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी को दुर्वा यानी दूबा जरूर चढ़ाई जाती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। अंगलासुर नाम का दुष्ट राक्षस था। वह मुंह से आग उगलता था। उसकी दृष्टि के सामने जो भी आता था उसे वह जला डालता था। उसके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलती थी। मुख से वह अत्यधिक धुआं निकालता था। सभी को उससे बहुत भय लगता था। अंगलासुर ने अनेक जंगल जला डाले थे। वह खेत की फसल, पशु पक्षी, मनुष्य सबको जलाकर राख कर देता था। उसके आतंक को समाप्त करने हेतु एक दिन गणपति ने अपने छोटे रूप को परिवर्तित करके अंगलासुर से भी तिगने ऊंचे हो गए। ये देखते ही अंगलासुर भयभीत हो गया। श्री गणेश जी ने अंगलासुर राक्षस को सुपारी के समान खा लिया, जिससे गणेश जी का शरीर अत्यधिक जलने लगा। इस जलन को समाप्त करने के लिए सभी देवताओं ने एवं ऋषि मुनियों ने उनको दूब अर्पण किए, जिससे उनकी जलन मिट गई। तभी से गणेश जी को दूब जरूर चढ़ाई जाती है। गणेश पूजा में तुलसी का चढ़ाना वर्जित है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप में लीन थे। उसी दौरान विवाह की इच्छा से तुलसी भ्रमण पे निकली। वह श्री गणेश को देखकर मोहित हो गई। तुलसी ने विवाह की कामना से उनका ध्यान भंग कर दिया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा इस तरह के कृत्य को अशुभ बताया। साथ ही तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। इस बात से आहत होकर तुलसी जी ने गणेश जी को दो विवाह होने का श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारी संतान असुर होगी। ऐसा श्राप सुनकर तुलसी जी ने श्री गणेश जी से माफी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम पर असुरों का साया तो होगा, किंतु भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को तुम बहुत प्रिय होगी। साथ ही कलयुग में जगत के लिए देव वृक्ष के रूप में जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, किंतु मेरी पूजा में तुलसी का चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। मान्यता है कि तभी से भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। पुराणों एवं वेदों के आधार पर गणेश जी के बारे में कुछ मनोहारी वर्णन इस प्रकार है। गणेश जी ने विघ्नासुर नाम के राक्षस का भी वध किया, इसलिए उन्हें विघ्नेश्वर कहा जाता है। अष्टविनायक गणेश में बलालेश्वर गणेश ही एकमात्र ऐसे गणेश माने जाते हैं जिनका नाम भक्त के नाम पर प्रसिद्ध है। यहाँ गणेश की प्रतिमा को ब्राह्मण की वेशभूषा पहनाई जाती है। महेश्वर का गोबर गणेश मंदिर पहली नजर में तो देश भर में स्थित अपनी ही तरह के हजारों गणेश मंदिर की तरह ही लगता है, लेकिन औरंगजेब के समय से इसे मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया था, जिसका प्रमाण इस मंदिर का गुंबद है। गुंबद मस्जिद की तरह है। गोबर गणेश मंदिर में गणेश जी की जो प्रतिमा है
वह शुद्ध रूप से गोबर की बनी हुई है। इस मूर्ति में 70% से 75% हिस्सा गोबर का है और इसका 20-25% हिस्सा मिट्टी और दूसरी सामग्री से बना हुआ है, इसलिए इस मंदिर को गोबर गणेश मंदिर कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार मिट्टी और गोबर की मूर्ति की पूजा पंचभूतात्मक होने तथा गोबर में लक्ष्मी का वास होने से लक्ष्मी तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु की जाती है। वरद विनायक गणेश अपने नाम के समान ही सारी कामनाओं को पूरा होने का वरदान देते हैं। प्राचीन काल में ये स्थान भद्रक नाम से भी जाना जाता था। इस मंदिर में नंददीप नाम से एक दीपक निरंतर प्रज्वलित हो रहा है। इस दीप के बारे में मान्यता है कि ये सन 1892 से लगातार प्रदीप्त है। संकटों को हरने वाले श्री गजानन का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में यदि देखा जाए तो वहां भी हमें उनके आशीर्वादों का एक संदेश प्राप्त होता है जो हमें नित्य नई ऊर्जा का संचार करता है। GANESH गणेश। जी गेट वेल ऑलवेज, ए एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, एन नो बैड इविल कैन टच यू, ई एंड ऑफ ट्रबल्स एंड ऑल योर सॉरो, एस सक्सेस एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ, एच हैप्पीनेस टू यू एंड योर लव वंस। वरद विनायक की ज्योति हम सभी के जीवन को रोशन करे, यही प्रार्थना करते हैं। प्रथम पूजक विघ्नहर्ता हैं गणेश, सुखकर्ता विद्या बुद्धि प्रदाता हैं गणेश, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं गणेश, वंदन करो नमन करो दिल से बोलो जय गणेश। मित्रों, श्री गणेश चतुर्थी की शुभकामनाओं के साथ ये कामना करते हैं कि बुद्धि के देवता कष्ट निवारक श्री गणेश की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे, सब कार्य में सफलता मिले एवं मानवीय भावनाओं का हृदय में संचार हो। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के आशीर्वादों की कामना के साथ सब मिलकर कहें, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश जी का ये मनोहारी प्रसंग अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। गणेश जी से जुड़ी हुई बातें यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक है www.roshansavera.blogspot.com, roshansavera, roshansavera.blogspot, blogspot.com। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रिलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड GK टॉपिक्स पर डिटेल नोट की CD या DVD प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई CD भी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind, अर्थात voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद। गणेश जी पूजा पाठ के दायरे से बाहर निकलकर हमारे जीवन से इतना जुड़ गए हैं, किसी भी काम को शुरू करने को हम श्री गणेश करना कहते हैं। गणेश उत्सव तो साल में केवल एक बार आता है, परंतु गणेश जी का स्मरण हमारी दिनचर्या में शामिल है। गणानाम जीव जतानाम यह ईश स्वामी स गणेश। गणेश समस्त जीव जगत के स्वामी हैं। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले देवाधिदेव गणेश जी की पूजा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ। रिद्धि सिद्धि के देवता काटो सर्व कलेश, सर्वप्रथम सुमिरन करे गौरी पुत्र गणेश। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। हमें जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति गणेश जी की अनुकंपा यानी बुद्धि से ही प्राप्त होती है। समस्त काज निर्विघ्न
संपन्न हो, इसके लिए गणेश वंदना की परंपरा युगों पुरानी है। मानव तो क्या, देवता भी सर्वप्रथम इनकी अर्चना करते हैं। गणेश पुराण के अनुसार गणपति अपनी छोटी सी उम्र में ही समस्त देवगणों के अधिपति हैं, क्योंकि वे किसी भी कार्य को बल से करने की अपेक्षा बुद्धि से करते हैं। बुद्धि के त्वरित व उचित उपयोग के कारण ही गणेश जी पिता महादेव से वरदान लेकर सभी देवताओं में मंगल मूर्ति रूप में प्रथम पूज्य हैं।